hello students a very good morning to all of you hope so you are very well fine and doing well inside your home you will be safe and sound and uh, today our lecture is about the living things classification of the living things and uh, this is the lecture for the class fifth and subject is science uh, before going to this to start the classification of living things we must know that what are the living things? Living things are basically all those things which can breathe, move, and reproduce. Babies are living things. You have learned all these things in the previous class, so there is no need to review all these things. So, living things are and reproduce? Kar hai, to ye saari ki saari living things. Hai. And how? Uh, what are the? What is the classification? Classification is is actually the dividing and redividing of the. लिविंग थिंग्रुप्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड प्लाट्स आ जाते हैं तो आप इनको क्लासीफिकते हो एनिमल्स एंड प्लाट्स में तो फिर एनिमल्स को मजीद आगे रीडिवाइड करते हो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर फिर उसको आगे रीडिवाइड करते हो तो इसी तरीके से प्लांट्स है तो प्लांट्स को भी आप पहले एक लार्जर प्लांट्स हैं फिर स्मॉलर प्लांट्स हैं जिनमें फ वगैरह जे वगैरह भी आ जाती हैं तो ये सारी की सारी इनकी मजीद आगे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनते हैं तो इनको आप क्लासिफिकेशन कहते हो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपको जनरल एग्जाम्पल देती हूँ जैसे आपका स्कूल है तो उसको आप किस तरीके से करते हो उसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हो कि उसमें आपने मज़ीद तो, इस आप तो इसी तरीके से लिविंग थिंग्स का बेसिकली मेन दो ग्रुप्स है एनिमल्स एंड प्लांट्स और इनको फिर आगे डिवाइड और रीडिवाइड किया जाता है नेक्स्ट आपके पास है दिस इज बुक होप यू ऑल यू

साइंस इज बेसिकली दैट गोइंग इन अराउंड यू दैट इज एग्जैक्टली साइंस तो उसके उसके मुताबिक आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो या ऑब्जर्वेशन लेते हो तो उसको आप साइंस कहते हैं दिस इज योर यूनिट नंबर वन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होती है और लिविंग थिंग्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में बेसिक डिफरेंस क्या है दे कैन ब्रीथ एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ सो देर इज कोटेशन ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स ये आपको छोटे छोटे सेल्स नजर आ रहे हैं ये ये तमाम भी लिविंग थिंग्स हैं हैं से मिलके बनी हुई मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाती हूँ जो मैंने आपके लिए बनाया है देखें सेल्स जो होते हैं जो बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट को सेल कहा जाता है जस्ट फॉर एग्जांपल इफ यू लुक अराउंड योर फिंगर टिप तो उसके ऊपर आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आएंगे आप अपनी

ऑर्गन हैं आपकी बॉडी के अंदर तो ये ऑर्गन मिल आपका सिस्टम बनाते हैं कौन सा सिस्टम बनाते हैं जैसे आपका लंग्स है तो लंग्स आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है हार्ट है तो हार्ट आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है और जो आपकी किडनी है, तो है वो आपका जोराइनरी सिस्टम बनाते हैं तो इसी तरीके से जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं वो आपका एक यूनिक सिस्टम बनाते हैं और ये सारे के सारे सिस्टम मिल आपकी बॉडी बनाते हैं सो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स नेक्स्ट है आपके पास ये आपकी बुक है दिस इज पेज नंबर टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स कैसे लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई कर दिया क्लासिफिकेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया तो अब यहाँ से हम रीडिंग करते हैं और फिर से इसको एलोबोरेट कर देते हैं वी कैन अरेंज अरे इन दर्ल्ड इन टू थ्री ग्रुप्स तीन ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड uh, कर देते हैं दुनिया में सारी चीजों को सम थिंग्स आर लिविंग थिंग नाउ जो के अब जिंदा हैं लिविंग नाउ जो अब जिंदा हैं अदर वर वंस लिविंग जो कभी जिंदा थी And some were never living, जो कभी हमने देखी ही नहीं है और कभी जिंदा थी ही नहीं जैसे living thing जैसे आपको, ए, mammals में आप, एलिफेंट को देखने ये ये सारी सारी चीजें अभी मौजूद है और वंस देवर लिविंग अदर वर्स लिविंग जैसे आप देखें तो डायनासोर्स वगैरह कभी थे जो अब नहीं है एंड नेवर लिविंग थिंग्स और कुछ कभी थी ही नहीं जैसे कि साइंस की थ्योरी में कहा जाता है कि डायनासार से पहले भी थे या इंसान जब थे तो वो उनकी दूम होती थी या कुछ इस तरीके से बंदरों से पहले भी कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था जो सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं बट उनके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला तो ये, ये इस सेंटेंस का मतलब यही है डिवाइडिंग थिंग्स इं टू ग्रुप्स हेल्प आस टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल द डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड फिट इन टू अ पैटर्न So, uh, हम किस लिए हमें ये क्लासिफिकेशन uh, करते हैं एक तो हम इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं क्यों करते हैं बिकॉज इट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हमें हमें ये आसानी होती है कि कौन से ग्रुप का क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या उनका लिविंग बिहेवियर है क्या चीज़ वो खाते हैं किस तरह से वो रहते हैं आया वो मेमल्स हैं यानी बेबी बर्थ करते हैं या एग्स देते हैं या वो पानी में रहते हैं या वो खुश्की पे रहते हैं तो हर ग्रुप की अपनी अपनी कैटेगरीज होती हैं तो उस पैटर्न को हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं मिसाल के तौर पर फिश है तो फिश पानी के अंदर रहती है तो इसी तरीके से और बहुत सारे हैं जैसे आपकी जेली फिश है तो ऑफकोर्स वो भी पानी में रहती है स्पॉन्ज है तो स्पॉन्ज भी पानी में रहते हैं तो हम इनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं प्लांट्स में आप देखें तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो इनको हमने एक कैटेगरी में कर दिए ये सारे एक कैटेगरी में आएंगे और कॉनिफर्स वाले एक कैटेगरी में आएंगे इसी तरीके से रेप्टाइल्स हैं रेप्टाइल्स में जो उसकी कैटेगरी में आ रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे आगे नीचे और जो आपके पास वम्स वगैरह हैं जो जो सेगमेंटेड बॉडीज हैं जिनकी वो एक कैटेगरी में आ गई तो इस तरीके से हम एक पैटर्न में इनको डिफाइन करते हैं तो ये पैटर्न हमें हेल्प करता है किसी भी एनिमल या किसी भी लिविंग थिंग्स की कैरेटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने में So next is scientists who study the uh, uh, living things is known as the biologist. Biologists divide into uh, things into different groups and this is called as the classification which we have discussed already. So they have uh, divided the uh, larger group, which is the bada group, they have called kingdom. दो किंगडम है टू मैन किंगडम्स है एनिमल्स एंड प्लांट्स और ये मैं आपको बता चुकी हूँ बायोलॉजिस्ट औरडी नोन मोर देन वन मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एन मोर देन थ्री फिफ्टी थाउजेंड काइंड प्लांट्स यानी इतने अभी तक उन्होंने इनको एनिमल्स और प्लांट्स को डिस्कवर या स्टडी कर चुके हैं तो जो मेन जो दो आपकी ग्रुप्स हैं पूरी दुनिया में जो पाए जाते हैं उनको किंगडम कहते हैं कौन से किंगडम है एक एनिमल किंगडम है और दूसरा प्लांट किंगडम है यानी दो ही चीजों की अभी तक दुनिया में बादशाहत है जो आपको नजर आ रही है एक एनिमल है और दूसरा प्लांट्स है तो साइंटिस्ट डिवाइड ईच किंगडम इंटू स्माल ग्रुप पर्टिकुलर फीचर इन कॉमन सो देट दे कैन स्टडी देम इजीली तो इसीलिए उनको उन्होंने मजीद सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया सो देट दे कैन इजिली स्टडी सबसे पहले आपका ये टॉपिक है वायरसेस वट आर दायरेज वायरसेस आर बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि वायरसेस आर

आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है तो वो क्या करता है जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो मूव करना शुरू कर देता है वो अपने आप को डिवाइड और रीडिवाइड करना शुरू कर देता है रेप्लीकेट करना शुरू कर देता है अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है जो कि ऑफ कोर्स एक लिविंग थिंग की एबिलिटी है लेकिन जू ही वो बॉडी से बाहर आता है तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है वो डेड हो जाता है लेकिन फिर उसको जब दोबारा बॉडी के अंदर जाता है तो वो दोबारा से जो है वो लिविंग थिंग्स की क्रेटिस्टिक्स को अपना लेता है इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आजकल आपके इर्द गिर्द कोरोना वायरस की है कि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट के जरिए बॉडी के अंदर जाता है लेकिन जब वो बॉडी से बाहर रहता है जब आप हैंड्स वगैरह वॉश करते हैं तो वो वॉश आउट हो जाता है तो इसकी आपके पास ये वायरस की एग्जाम्पल्स वायरस इज मेड अप ऑफ केमिकल्स आर जस्ट लाइक दोज फाउंड इन योर बॉडीज उन केमिकल्स से मिलकर के बने होते हैं जैसे आपकी बॉडी के अंदर हैं जैसे प्रोटीन्स होगी इसी तरीके से फैट्स वगैरह होगी तो ये इनसे मिलकर बने होते हैं और वंस इन साइड द वायरस इज यूज सेल मेटीरियल एंड रिप्रोड्यूस वो आपकी बॉडी की मशीनरी को यूज करते हैं जब बॉडी के अंदर चले जाते हैं उनसे खुराक लेते हैं लेकिन जब बॉडी से बाहर आ जाते हैं तो फिर ये डेड हो जाते हैं और इन साइडीज ऑफ दॉपीज ये बिल्कुल अपने फादर, के साथ आपकी थोड़ी बहुत बिलकर आप बिलकर फादर की तरह नहीं होंगे लेकिन जो वायरसेस होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं यानी उन्नीस बीस का भी फर्क नहीं होता उनके पेरेंट्स और उनके जो आगे उनके रेप्लिका होते हैं उनके अंदर कोई फर्क नहीं होता अच्छा viruses can cause disease such as the common cold influenza in the इन द ह्यूमन बीइंग ये इसकी कॉमन डिजीजेज हैं जो ह्यूमन बीइंग के अंदर आती हैं इसके अलावा आप हेपेटाइटिस को ले लें दिस इज आल्सो अ वायरल डिजीज़ और आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है जो के काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है इसके अलावा जो जेंगी वायरस है और सार्स वायरस है एड्स वायरस है तो डिफरेंट वायरस की एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने इर्दगिर्द देख सकते हैं तो ये आपके पास मैंने वायरसेस की कुछ इमेज लगाई हुई हैं ये हेपेटाइटिस का वायरस है ये, ये बैक्टीरियो फैज है और इसी तरीके से ये डिफरेंट शेप्स हैं वायरसेस की और ये आपको जो इसके साथ आपको नजर आ रहे हैं कुछ बेस नजर आ रही है जैसे एंटीना की तरह आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं ये क्या करती हैं ये अटैचमेंट के लिए हेल्प करती हैं जब ये इनसाइड दी बॉडी जाते हैं तो ये बॉडी के साथ जाके अटैच हो जाते हैं अब आ जाते हैं प्रोटेस्ट तो आप प्लाट्स कह सकते हैं ना आप एनिमल्स कह सकते हैं यानी ये जब इनकी अगर आप डिटेल स्टडी करें तो ये प्लांट्स की तरह भी बिहेव करते हैं और ये जो है एनिमल की तरह भी बिहेव करते हैं फॉर एग्जाम्पल एमिबा एमिबा इसल्स प्रोटेस्ट सिंगल सेल्स को कहते हैं यूक्रिया

देखें इसका जो बाकी तो इसकी जो सिलिया वगैरह है या इसकी बॉडी के ऊपर अगर आप देखें तो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है जो कि एक प्लांट की एबिलिटी है लेकिन इसका जो माउथ और स्टोमिक है और वो जिस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करता है तो ये एबिलिटी होती है एनिमल्स की तो इसीलिए इसको कैटेगराइज किया जाता है ना तो इसको एनिमल्स में लिया जाता है ना इसको प्लांट में लिया जाता है नंदर वन इज प्रोटेस्ट इज युग तो ये क्या है ये सनलाइट uh, यानी ये प्लांट की तरह अपनी uh, जो है खुराक बनाता है इट बिहेव लाइक प्लांट तो इसीलिए इसको कैटेगराइज किया जाता है प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी इट हैज एन आई स्पॉट विच हेल्प इट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड शेड ये आपको आई स्पॉट इसका नजर आ रहा है ये लाइट और डार्क के लिए इसको डिटेक्शन uh, में मदद देते हैं इट्स यूजेज लॉन्ग

और इसके जरिए अपनी खुराक को डाइजेस्ट करता है अब ये अमीबा को देखें तो इसका आपको नजर आ रहा आ रहा होगा सुडो पोर्ड क्या होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और ये इसको रेप कर देता है अगर यहाँ पे कोई फूड का पार्टिकल आता है तो इसके गिर्द लपेट देता है और इसको ईट कर देता है इसी तरीके से फ्लेजेलम है फ्लेजेलम की आप युगलिना है युगलिना का फ्लेजेलम है जिसकी मदद से ये स्विम करता है इसका आई स्पॉट है जो इसको लाइट और डार्क में हेल्प करता है अच्छा इसका भी पार्ट